रिजुविनेटिंग मेडिकल माइंड्स, इस सत्र में पधारे भाइयों और बहनों को नमस्कार। ओम शांति। 20 लोगों ने नमस्कार किया, 50 लोगों ने ओम शांति बोला, और सब क्या कर रहे हैं पता है? जिन्होंने रिस्पांस नहीं दिया क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। हम लोग टीवी देखते हैं ना कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ, देख रहे हैं? क्योंकि वहां जाएंगे तो कुछ कर सकते, यहां बैठे बैठे क्या करेंगे? परंतु ये 4 दिन आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो टीवी देखना बंद, अर्थात कि हमें प्रतिक्रिया दो। आप देखेंगे एक से बढ़कर एक आपके सामने स्पीकर्स आएंगे ना, परंतु आप जितनी अच्छी प्रतिक्रिया देंगे उतना अच्छा वो बोलेंगे, है ना? तभी हम सब क्या बोलेंगे उसका आधार आपके ऊपर है। हमारी बात समझ में आए तो गर्दन हिलाओ, तो हम भी समझेंगे कि सो नहीं गए। नहीं तो ऐसे सेशन में लोग सो जाते हैं, पार्लियामेंट में भी सो जाते हैं ना। कोई हंसने की बात हो तो जोर से हंसो। हंसना आता है? हंसना आता है? सिद्ध करके बताओ। पच्चीस% कोई आता है ना? बच्चे दिन में 80 बार हंसते, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हंसना भूल जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? छोटी बात को बड़ी बना के हंसो। हंसने के लिए कोई कारण चाहिए ना? बिगर कारण के हंसेंगे तो मेरे क्लिनिक में भेज देंगे। आपको बहुत सारे कारण मिलने वाले हंसने के, है ना? तो खुल के हंसना। ताली बजाना तो आता है, क्यों भी भूल गए। ताली बजाने के भी बहुत सारे कारण हैं। एक कवि ने भगवान को याद किया तो भगवान प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा भगवान जी मैं कविता का पाठ करूं और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ताली नहीं बजाए तो उसको ऐसा जन्म देना कि दूसरे जन्म में घर घर जाके कंपलसरी ताली बजानी पड़े। नहीं समझे? क्यों नहीं हंसते? देखा, ये रिजुविनेट करना शुरू कर दिया। अगर मेडिकल माइंड्स को, लाइफ को रिजुविनेट करना है, मेडिकल माइंड्स सेकंड, तो सचमुच हंसो, है ना? हंसने के लिए अभी तक सर्विस टैक्स नहीं लगाया है, है ना? जिस दिन सर्विस टैक्स लगे तब से नहीं हंसना। अच्छा, देखो, हंसना, ताली बजाना, ये तो स्कूल की पढ़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है इन चीजों को फील करना। देखो, शिवानी बहन ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, सिंपल सी है। अगर आप फील करेंगे तब चेंज आएगा, नहीं तो चेंज नहीं आएगा ना। सचमुच डर लगे तो डरो, आंखों में आंसू आ जाए तो भी अच्छा है ना। तो सचमुच सारे सेशंस को अच्छे से फील करना, ठीक है? शुरू करें? 5-6 लोग ही बोलते और समझ देखो, आपको ना जवाब देना पड़ेगा। मेरे अंदर बहुत कुछ है, आपको अगर निकालना है बाहर तो आपको रिस्पांस देना पड़ेगा, ठीक है? जितना अच्छा आप रिस्पांस देंगे मैं अच्छी बातें बताऊंगा। आप सब जानते कि माइंड किल्स एटलीस्ट 60-70% जो फिजिकल डिजीज है वो मन से ही निर्माण होते हैं। तो मन जो हमें मारता है वही मन आपको स्वस्थ भी कर सकता है। बस छोटी सी बात है कि कैसे आप उसका उपयोग करते हैं। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए, किनारे खुद व खुद मिल जाएंगे। समझ गए ना क्या करना है?
यहां क्यों आए? दिशा को बदलना है, सोच को बदलना मुश्किल है, परंतु डायरेक्शन को बदलना मुश्किल नहीं है। आज मैनेजमेंट सर्कल्स में भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मानी गई है। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है? एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर आर एम्पायर्स ऑफ माइंड। तो कुछ करना है सचमुच तो बिकम एम्पायर ऑफ योर माइंड, क्योंकि ये माना गया है कि आज जो सारा अप्रोच है जीवन के प्रति, हमारे प्रोफेशन के प्रति, वह इनसाइड आउट अप्रोच होना चाहिए। हमारा अप्रोच है आउटसाइड इन। एक बार हथौड़े और चाबी के बीच में वार्तालाप हुआ। हथौड़े ने चाबी को कहा कि चाबी तू इतनी छोटी सी है, मैं इतना बड़ा हूं, मैं जोर जोर से ताले को ठोकता हूं तो भी ताला नहीं खुलता है, तू इतनी छोटी है फिर भी कैसे ताला खोल देती है? तो चाबी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। चाबी ने कहा, देखो हथौड़े भैया, तुम्हें ना बाहर से कोशिश करते हो, तुम बाहर से ठोकते हो इसलिए ताला नहीं खुलता है। मैं क्या करती हूं, अंदर जाती हूं, राइट टर्न करती हूं, ताला खुल जाता है। इंडीड लाइफ इज लाइक दैट, है ना। बाहर से बहुत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ब्यूटी पार्लर में नहीं जाओ, है ना, घर का इंटीरियर डेकोरेशन नहीं करो, स्टिल यू कैन बी वेरी वेरी हैप्पी। हाँ, एक बात बताऊं, अभी अभी मुझे याद आई, बताऊं, लेकिन फिर ज्यादा रुकना पड़ेगा। देखो मेरे को एक घंटा दिया है, मैंने एक घंटे का परफेक्ट प्रिपरेशन किया है, अभी नया विचार आया, बोलू कि नहीं बोलू? अच्छा, लेकिन रुकना पड़ेगा, मैं तो बनारसी भाई कंप्लेन करेंगे। अच्छा, हाँ, एक बार एक 60 साल की महिला ने भगवान की खूब प्रार्थना की, है ना, तो भगवान प्रसन्न हुए। उसने कहा कि मुझे 100 साल जीना है, तो भगवान को तो एक ही शब्द आता है, मालूम है ना, तथास्तु। तो उसने समझे भी 100 साल जीना है, उन्हें बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी करा दी, है ना, ये एकदम यंग बन गई, 100 साल जीना है अभी। लेकिन एक बार एक्सीडेंट में मर गई, तो भगवान के पास गई, कहा भगवान जी आपने तो बोला था 100 साल जीऊंगी, मैं तो मर गई। उसने भगवान ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, हमारे आदमी तुम्हें पहचान नहीं पाए। समझ गए? तो लाइफ को रिज्यूविनेट करना है तो सब आर्टिफिशियल बंद। हाँ, रियली बी योर सेल्फ, नो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ जॉय विद इन, है ना, अंदर में तो अनंत का अद्भुत खजाना है ना, उसको बाहर आने दो। आज हम बाहरली चीजों पर डिपेंडेंट हो गए हैं, इसके कारण प्रॉब्लम्स होते, इसके कारण डिप्रेशन बढ़ रहा है। इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री, 12 देशों में रिसर्च हुई। इट वॉज रियली फॉर मी ऑल्सो, इट वॉज अमेजिंग कि ऑलमोस्ट 35% ऑफ इंडियंस आर डिप्रेस्ड। तो क्योंकि हम दूसरों की नकल करने लगे। हमारा अपना है, अपनी संस्कृति इतनी महान है कि भारत में तो डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, राइट? सो एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर आर एम्पायर्स ऑफ माइंड। सिर्फ हम 2-3% ही ब्रेन पावर का उपयोग करते हैं, एक्चुअली उसको बढ़ाना है। और सिंपल है, मुश्किल नहीं है, जस्ट नो स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। देखो आप जैसे यहां पर प्रवेश हुए शांतिवन में, है ना, अगर आप थोड़े से ओपन थे, घूमने के ख्याल से नहीं आए थे, हाँ, कुछ सीखने के ख्याल से आए हैं, तो आपने कुछ कुछ देखा होगा। हाँ, कमरे में गए, यहां आए, हमारे सेशंस आप देखेंगे, है ना, आप नया कुछ सोचने लगे। अच्छा तो ये है, अगर ब्रेन पावर को बढ़ाना है तो और एक अच्छी चीज है कि जब स्पीकर्स बोलते हैं तो ये सोचो कि पीछे क्या बोला था। भला आपको ये सारी रिकॉर्ड्स भी हो रहा है,
है ना, एक्चुअल भी आपको डीवीडीज मिल सकती है, फिर भी लिखो अगर डायरी है तो। क्यों? क्योंकि फिर बीच में फ्री हुए तो आपस में बातें नहीं करना, अपनी डायरी को खोलो कि भी क्या बताया था पिछले सेशन में, क्या अच्छी बातें थी, बस वो नोट करो। आप देखेंगे उससे आपका ब्रेन पावर सचमुच बढ़ सकता है। नो, स्टार्ट थिंकिंग इन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, थोड़ा डिफरेंट वे में लाइफ के बारे में भी सोचने लगो। अभी मैं आपको बताऊंगा अपने प्रोफेशन के बारे में भी सोचने लगो, आपका ब्रेन पावर बढ़ जाएगा। आज तनाव बहुत बढ़ गया है, तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर, तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न होने पर, है ना। ब्लड प्रेशर के पेशेंट जैसा है तनाव, कि इसको हाई ब्लड प्रेशर रहे 6 महीना, फिर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दो तो उसको वीकनेस आने लगती, कितने चक्कर आते, क्योंकि ब्रेन वो हाई ब्लड प्रेशर से रहने को आदत हो गई उसको, है ना, कंडीशनड हो गया। सो दैट इज बैड। टुडे वी हैव दिस, हम सब बॉस है। हाँ, बॉस का मीनिंग क्या है? बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम, है ना, तो भी वो नहीं चाहिए ना। इफ यू रियली वॉन्ट टू रिज्यूविनेट लाइफ, हो सकता है आप ये नहीं कहो, हाँ अच्छे से शिवानी बेन का मेन अगर आपने ध्यान दिया हो तो भी क्रोध नेचुरल नहीं है, हाँ ऐसे स्ट्रेस नेचुरल नहीं है। हाँ, और अब करना क्या चाहिए? देखिए, सिचुएशन तो सबके सामने आएगी, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जो कहे कि मेरे सामने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस नहीं आएंगे, है ना। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस सबके सामने आएंगे, परंतु अब उसमें 2 अप्रोच हो सकते हैं, है ना। एक तो है कि वो सर्कमस्टेंसेस को आप थ्रेट के रूप में लो, उसे डरो, और दूसरा है कि उसे चैलेंज के रूप में लो। बस 2 ऑप्शंस है, तो कभी भी डरो नहीं, क्या करो, सिचुएशन को चैलेंज के रूप में लो। और जब आप परिस्थिति को चैलेंज के रूप में लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी 5 गुना ज्यादा बढ़ सकती है, है ना। हम सब ने सुना है कि मां शेर के मुंह से भी बच्चे को बचा के आई, ऐसे कहो तो कुत्ते से भी डरती है, परंतु वो चैलेंजिंग सिचुएशन था, और वो हम सब में है। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन करना चाहता, है ना, हमें ये कॉन्फ्रेंस में भी बस आप छोटे छोटे चेंजेस करो। वह यह है कि जो डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी परिस्थितियां हैं उनको भी चैलेंज के रूप में क्यों नहीं लेते हो? जैसे सवेरे आधा घंटा जल्दी उठना, है ना, 20 मिनट मेडिटेशन करना, है ना, बच्चों के लिए 1 घंटा देना, छोटी छोटी बातें विच आर वेरी गुड फॉर लाइफ, टेक देम ऑल्सो एज अ चैलेंज। देखो बच्चा पिताजी को बोल रहा है आपके लिए है ना, वो बोल रहा है डैडी आप मुझे टाइम नहीं देते हो। इंडीड रिमेंबर ना ये स्टेटमेंट, ये भी मेरे टॉपिक में नहीं है, अभी मुझे याद आ रहा है बच्चे ने बोला, तो ये पक्का समझ लो बच्चों को आपका पैसा नहीं चाहिए। आप कहेंगे बच्चे तो बहुत डिमांडिंग हो गए, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन देम लव। जब वो छोटे थे आप उनको अपना क्वालिटी टाइम दीजिए, आप बच्चों को अनकंडीशनल प्यार दीजिए, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ पेरेंटिंग, बट द पॉइंट इज इन बातों को भी चैलेंज के रूप में लो। और अगर परिस्थितियों को चैलेंज के रूप में लेना हो तो 3 F याद रखिए, कुछ है तो लिख भी लो, है ना, फिर भूल जाएंगे। और ये जो 3 F है, पहले क्लियर करता हूं कि लोगों से नहीं लड़ना है, हमें परिस्थितियों से लड़ना है, है ना। और ये 3 F है, हाथ को ऐसे करो, हाँ सभी करो, हवा में जोरदार मुक्का मारना है, बाजू वाले को नहीं मारना। ये 3 F है, फेस इट,
नहीं नहीं सब सब जोर से बोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जोर से, हाँ, फेस इट। अभी भी सब नहीं बोल रहे, जोर से बोलो, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। बस देखो, जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए ना, तब अकेले में करो ना, लोगों के सामने नहीं। हाँ, अकेले में कहीं देखो ऐसे कर, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट, यस 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 करो। देखो अच्छे से नहीं कर रहे, हाँ, थोड़ा भी स्ट्रेस ऐप करके देखना, इट रियली वर्क्स। नो, मिलियंस ऑफ पीपल हैव डन एंड उसका रिजल्ट मिलता है। बहुत से मुक्त होना हो तो एक स्लोगन याद रखिए, सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, विजयी होंगे हर मार्ग पर, कि आने दो मौत को भी सामने। ऐसे कुछ कुछ रेडी रखिए, और जब भी स्ट्रेस आए ना तो उसको रिपीट करिए, है ना। आप सब भी अभी जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बहुतों ने सुना है, परंतु एसेंस सारा क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि हम कोई भी चीज से दूर नहीं जा सकते हैं, हम कोई भी चीज के नजदीक जा सकते हैं। क्या याद रखना है, हम नकारात्मकता से नजदीक दूर नहीं जा सकते, हम सकारात्मकता के नजदीक जा सकते, आप निराशा से दूर नहीं जा सकते, आशा के नजदीक जा सकते, आप गरीबी से दूर नहीं जा सकते, आप पैसे के नजदीक जा सकते, आप लघुता ग्रंथि से दूर नहीं जा सकते, आप स्वमान के नजदीक जा सकते, आप बीमारी से दूर नहीं जा सकते, आप स्वास्थ्य के नजदीक जा सकते, आप असफलता से दूर नहीं जा सकते, आप सफलता के नजदीक जा सकते, आप दुख से दूर नहीं जा सकते, आप सुख के नजदीक जा सकते, आप क्रोध से दूर नहीं जा सकते, आप प्रेम के नजदीक जा सकते। समझे? तो बस ये सारी बात है, कि जब भी एक भी वो थॉट आए ना, क्रोध का विचार आया क्या करेंगे, प्यार का विचार करना है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, कहते हैं सिर्फ दो ही इमोशंस है, वेन डायर, शायद बहुतों ने नाम सुना होगा, तो शरीर का त्याग किया कुछ समय पहले, वेन डायर कहते हैं कि दो ही इमोशन है, फियर एंड लव, है ना। तो एंड लव इज अ प्योर इमोशन, है ना। आज हम जो समझ रहे हो सचमुच प्यार नहीं है, जो प्यार है वह आत्मिक प्यार है, इट्स नो स्पिरिचुअल पावर विच हैज ट्रेमेंडस एनर्जी। ये याद रखिए, बस एक नोबल थॉट चाहिए, सक्सेस इज अ बर्थ राइट ऑफ एवरी नोबल थॉट। सब नोबल थॉट के लिए तैयार है? 25-30 लोग ही तैयार है। देखिए, है ना, चार प्रकार के व्यवसाय है, मैं इस पर एक घंटा बोल सकता हूं। एक तो ऐसे व्यवसाय है कि जहां व्यक्ति समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है परंतु पैसा नहीं कमाता है, जैसे मदर टेरेसा, समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया, शी हैज नॉट अर्न मनी। दूसरे प्रोफेशन है कि जहां वो समाज को भी उपयोगी है और पैसा भी कमाते हैं, उसमें हमारा प्रोफेशन है ना, मेडिकल प्रोफेशन, वेयर वी आर अर्निंग मनी एज वेल एज वी आर यूजफुल टू द सोसाइटी, ठीक है। तीसरे प्रोफेशन है जहां पैसे बहुत कमाते लेकिन समाज को भी बहुत नुकसान करते, जैसे कि ड्रग डीलर्स, टेररिस्ट, पॉलिटिशियन नहीं बोलना चाहिए। ओके। और चौथा है कि जहां वो समाज को भी उपयोगी नहीं है पैसे भी नहीं कमाते, जैसे कि ड्रग एडिक्ट, कि कुछ काम के नहीं है, कुछ कमाते भी नहीं है।
एंड इन अवर प्रोफेशन, अब देखो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको कही ना कि भी ये सोचो नोबल थॉट, ये पक्का करना, मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं, डेफिनेटली पैसा जरूरी है, परंतु आप सब भी स्वीकार करेंगे कि जो चीज जिसके लिए बनी है उसके लिए उपयोग होना चाहिए, है ना। कि भी खाना किसके लिए है, खाना क्यों खाना है, स्वास्थ्य के लिए, है ना। आज लोग खाना टेस्ट के लिए बनाने लगे तो सारी लाइफस्टाइल डिजीज आ गई, सिंपल डिफरेंस है ना। तो ऐसे ही घर किसके लिए है, आराम से रहने के लिए, दिखाने के लिए नहीं कि मेरा घर बड़ा है, है ना। मेरे घर में ज्यादा फर्नीचर इंपोर्टेड है, वो दिखाने के लिए घर नहीं है, घर है आप कंफर्टेबली जी सको। आप डॉक्टर है, चलो एसी भी चाहिए कि टेम्परेचर अप्स एंड डाउन होता है, यू कैन लीव कंफर्टेबली। यू नीड अ कार ऑल्सो, क्योंकि आपको कहीं कहीं जाना है तो यू कैन गो कंफर्टेबली। बट बिलीव मी, बियॉन्ड दैट मनी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। दिखावा हो सकता है परंतु आपको सुख नहीं देगा, वो आपको शांति नहीं देगा। और ये भी पक्का है ना, एक मैनेजमेंट का है हा? रिसर्च कि बियॉन्ड सम लिमिट मनी इज हार्मफुल टू चिल्ड्रन। आज जो भी बड़े बड़े क्राइम्स हुए हैं, जेसिका लाल मर्डर केस है ना, वो हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चों ने किया था कि हम छूट जाएंगे, उनको डर नहीं था। तो ये सोचिए कि भाई पैसा भी कमाना है, लेकिन अभी जितना मैं समाज उपयोगी ज्यादा हो सकूं अच्छा है। एंड देयर नो, फॉर अस इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो और प्रोफेशन में नहीं है। जिसमें ने कहा दो प्रकार के और प्रोफेशन है, एक तो ऐसे प्रोफेशन है कि जिसमें लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाते हैं, जैसे कि टीचर है ना। कि भी मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को मैं भगवान मानता हूं, लेकिन उनके पास ट्रीटमेंट के भी पैसे नहीं थे। और हमारा प्रोफेशन ऐसा है जहां पर रीजनेबल मनी भी है और लोग हमें भगवान के रूप में मानते हैं। डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। एंड इट्स रियल, आप सबने भी सुना होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, है ना। एवरी डे वन पेशेंट टेल्स मी, डॉक्टर आप हमें तो भगवान मिल गए। नो, यू आर नो लेस देन गॉड फॉर अस। इट्स रियली, एंड वी शुड थिंक। कई बार मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं डॉक्टर इससे कोई पैसा पेट नहीं भरता है, लेकिन समझ लो कि पैसे से भी पेट नहीं भरता है। No, life is really emotions. No, definitely earn. No, people will give. You don't worry. You know, थोड़ा सा भी कुछ करो, simple कर सकते। We have done a simple thing. कि रोज मैं हम करीब 20 patient देखते हैं। तो जब मालूम पड़ता है, वो patient तो तैयारी करके आए कि I am going for private consultation. लेकिन मालूम पड़ता है कि भी गरीब है तो उसके पीछे लिखा होता है फ्री। और जब वो सेक्रेटरी के पास जाके बोलता है कितनी फीस, तो सेक्रेटरी कहता है आपका तो फ्री है। रियली इट्स अ पावरफुल इमोशंस। नहीं, अभी भी राजस्थान फिजिशियंस एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने बात उनको बताई, तो किसने कहा डॉक्टर तो हम करते ही है, पॉलिटिशियन और रिश्तेदार आते हैं, दो तीन तो फ्री में होते ही है। लेकिन वो आप मजबूरी से कर रहे हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है इसलिए कर रहे हो। मैं कहता हूं भले वो तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी से तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मोहब्बत से भी एक दो को फ्री कर दो, यू विल सी अ वंडर। नो रियल इमोशंस, इफ आई टेल यू नो यू विल क्राई। अभी अभी का एक उदाहरण है, एक बहन को ओसीडी था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार हाथ धोती थी और ये हमेशा रिश्तेदार समझते कि नाटक करती है।
तो हमने उनको मेडिसिन आदि दी, उसकी कंसल्टेशन तो फ्री था, वी वर ओनली चार्जिंग फॉर मेडिसिन। तो भी एक दिन आई, कहा कि मैं एकदम अच्छी हो गई थी लेकिन फिर से प्रॉब्लम, क्यों? कहा दवा बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? दवा के पैसे नहीं है। कहते मेरा पति कहता है कि तू नाटक करती है, मर क्यों नहीं जाती है। रियली इट वॉज इमोशनल। विद इन दोस 5-7 मिनट्स आई थॉट और उसको बोला, बहन जब तक तुम्हारी बीमारी कंप्लीटली क्योर नहीं हुई, मेडिसिन भी हम फ्री देंगे। एंड बिलीव मी, फिर क्या हुआ ना, द वंडर इज आफ्टर दैट, है ना। वो ठीक तो हो गई और फिर एक बार आई और कहती कि अभी डॉक्टर मैं एकदम अच्छी हो गई हूं, मेरे पास फ्री टाइम है, मैं आपके क्लिनिक में आके हेल्प करूंगी। वी सेड ओके प्लीज कम, है ना। तो आके कुछ कुछ करती है, जो भी, किसको फोन करना है, कुछ रिकॉर्ड रखना है। एंड द बिगेस्ट पार्ट इज नाउ शी इज द बिगेस्ट एम्बेसडर ऑफ अवर क्लिनिक। जहां पेशेंट सबको बोलते हैं मैं ठीक हुई हूं, क्योंकि पेशेंट तो नेगेटिव ही आते हैं कि दवाइयां नहीं लेनी है, दवाइयां हार्मफुल होती है ना, कि इसकी आदत पड़ जाती है। तो वो सबको बोलती है कि आई एम एग्जाम्पल, मैं 100% इसे क्योर हो गई हूं। तो लाइक दैट नो, डू लिटिल बिट, लॉट्स कैन बी डन, बस आप सोचना, कुछ कुछ शुरू कर दो। एंड फॉर डॉक्टर्स नो इट्स वेरी इजी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मुश्किल है। बस थोड़ा एक सिंपल ये भी कर सकते कि वीक में 2 घंटा ऐसा रखो वेयर एनीबडी कैन वॉक इन योर क्लिनिक एंड कंसल्टेशन इज फ्री। पहले उस दिन भीड़ लग जाएगी, है ना, बट डजंट मैटर। अब क्या कर रहे, 2 घंटा दे रहे हो ना, ज्यादा टाइम तो नहीं दे रहे। सो रियली स्टार्ट थिंकिंग एंड वी कैन डू लॉट। और उससे जो नहीं, जो रिजुविनेशन मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्चुअली थिंक बिग व्हेन यू आर डूइंग स्मॉल थिंग्स। आप में से कईयों को पता नहीं होगा, मदर टेरेसा तो नर्स भी नहीं थी, उसने 3 महीने नर्सिंग का कोर्स किया। तो आप सब उससे भी अच्छा कर सकते हैं। ओनली थिंग वी नीड टू थिंक फ्रॉम दोज परस्पेक्टिव। सॉरी यहां काम पीछे चला गया, मैंने मार दिया। या अभी ये है कि भी पावरफुल लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, वी ग्रेविटेट इन द डिरेक्शन ऑफ अवर डोमिनेंट थॉट्स। ना बस डोमिनेंटली, अभी यहां ही तो आप 3-4 दिन है ना, आपको बहुत पावरफुल थॉट्स मिलेंगे, लेके जाना। भले घूमने का भी है, घूमना कम, सोचते पावरफुल थॉट्स मुझे ले जाने दो। एंड इफ यू कीप थिंकिंग इट इज वेरी इजी टू रिजुविनेट। नो थॉट इज अ ग्रेट थिंग, बट फॉर हूम, हु कैन टेक केयर ऑफ इट, है ना। यहां आपका बीज बोया जाएगा, अब आपको उसकी संभाल करनी है। जो किसने खेती का काम किया है, किसने किया है खेती का काम? अच्छा, क्या करते हैं? बीज बोते, फिर पानी देते हैं, खाद देते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है? गार्डनिंग भी किया हो तो आपको मालूम होगा क्या इंपॉर्टेंट है। जो खराब घास उगता है, वीड्स कहते हैं, उसको काटना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ये सब आप सोचने लगेंगे तो कुछ छोटी छोटी नेगेटिव बातें भी आएगी, उसको भी खत्म करना। देखो एक दो बातें सिंपल बताता हूं, सब करेंगे? मेरी एक बात सब मानेंगे? देखो आप सब डॉक्टर है, कभी भी कोई पेशेंट आए जो दूसरे डॉक्टर के पास गया है, तो कभी कभी भी नहीं बोलो उसने गलत ट्रीटमेंट दी। आज जो मेडिको लीगल केसेस बढ़ रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि दूसरा डॉक्टर बोलता है गलत ट्रीटमेंट दे दी, गलत सर्जरी कर दी। तो नेवर से सो, बिकॉज इट इज लो ऑफ कर्मा, एक दिन वो आपके पास भी आएगा। सो टेक केयर ऑफ योर थॉट्स। अब
अभी थॉट्स को कम करना है, लाइफ को रिज्यूविनेट करना है, तो बहुत अच्छी चीज है, लुक एट द सेकेंड थॉट। कभी आपको कराएंगे भी प्रैक्टिकली, कि शांति से बैठ के देखो कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है। जैसे आप देखेंगे ना, विचार आपके शांत हो जाएंगे, एंड देन यू कैन टर्न इन पॉजिटिव डायरेक्शन वेरी इजी। मेडिकल माइंड्स को रिज्यूविनेट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट यह चीज है कि डोंट अलाउ अदर्स नेगेटिव ऑरा टू इन्फ्लुएंस यू, बिकॉज द पेशेंट इज ऑलवेज इम्पेशेंट। पेशेंट स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है ना? और इसीलिए हम सबको मेडिटेशन करना है ताकि हम अपना ऑरा पावरफुल बनाए, तो आपका ऑरा पेशेंट पर प्रभाव डालेगा, है ना? हाँ, पूजा डाला था प्रभाव। देखो, प्रॉब्लम लिख के भी आप आओ, डॉक्टर्स ऑरा विल इन्फ्लुएंस यू, योर ऑरा विल नॉट इन्फ्लुएंस द डॉक्टर। नो, शी केम टू मी फॉर सम प्रॉब्लम, दैट्स आई वाज आस्किंग। समझे? तो इसलिए हमारे मेडिटेशन करना है, ऑरा को पावरफुल बनाना है। सॉरी, क्या गया? एटीट्यूड को चेंज करना है। एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। एंड व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या है कि जो एंगल से आप देखते हो, हाँ, वास किस किस को दिखाई रहा दे रहा है, हाँ, वास पिक्चर है, हाँ, वास दिखाई दे रहा है, किसको दिख रहा है वास? हाँ, देख, हाथ उठा उठा, वास दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ, दो चेहरे किस किस को दिखाई दे रहे हैं? इधर उधर चेंज करके देखो, दोनों है, वास भी है और दोनों चेहरे भी है, खाली कौन से एंगल से हम उसे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी अच्छे से देखना, देखो देखो देखो, ये पिक्चर को देखो, अच्छे से देखो, क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, एंगल बदल देते हैं तो बूढ़ी महिला जवान हो जाती है, है ना? हाँ, मेल डॉक्टर सुनो अच्छे से, कभी नहीं बोलना पत्नी बूढ़ी हो गई, बहने ताली भी नहीं बजाती, इतनी अच्छी बात बताता हूं। नेवर से सो, क्योंकि एंगल है पूरा। नहीं, लाइफ नो, इट्स द रिलेशनशिप, जो हमारी फैमिली लाइफ है ना, वहां केयरिंग इज इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट, अप्रिशिएशन इज इंपॉर्टेंट, है ना? दोज फैक्टर्स वी शुड चेंज। द बेस्ट वे ऑफ डेवलपिंग राइट एटीट्यूड इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बस अगर लाइफ को रिज्यूवेनेट करना है तो ये एक काम करो, छोटी छोटी बातों में लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखो। पेशेंट भी आए ना, ग्रेटिट्यूड रखो कि भी अच्छा आया ये तो। शायद आप गुजरात के कहीं डॉक्टर, गुजरात में एक सर्जन है, मैंने उनके एक कविता पढ़ी थी, नाम पता नहीं, वो कविता में उन्होंने लिखा था कि मेरे घर में जो इंपॉर्टेंट टाइल्स है वो आपके अपेंडिक्स और पाइल्स है। बात क्या है, वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड। आप सभी एक बार खड़े हो जाएंगे, बहुत समय से बैठे ना, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, एक्सरसाइज भी चाहिए ना, इसके बाद भी सेशन चलने हैं। बनारसी भाई ने कहा बीच में एक्सरसाइज नहीं, मैंने बोला हर सेशन के बाद 5 मिनट एक्सरसाइज कराएंगे, बोलते नहीं नहीं हमको बहुत ज्ञान देना है। अच्छा देखो, ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हाथ को ऐसे करो, राइट से शुरू करो, आपका राइट मेरे से उल्टा है। सबसे पहले तो माँ का आभार मानना है, बोलो माँ तुम्हारा बहुत बहुत आभार, तुमने मुझे अपनी कोख में 9 महीना पाला। धीरे से बोलते, जोर से नहीं पाला, ऐसा बोल रहे कि सरोगेटेड है आप सब तो। पाला ना, जोर से, सचमुच द बिगेस्ट पर्सन हु हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ अस इज मदर। उसके बाद भी आप 2-3 साल के हुए तब तक माने क्या क्या सहा है, यू कैन आस्क मदर्स,
फिर पिता का आभार मनना, पिताजी तुम्हारा बहुत बहुत आभार, तुमने कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, किया? अच्छा, फिर टीचर्स का आभार मानो, टीचर्स तुम्हारा बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अच्छे से पढ़ाया। ऐसे अनजान लोगों को भी याद करो जिन्होंने आपकी मदद की, कि जो आपको जानते भी नहीं थे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हाँ, जीव जंतुओं का भी आभार मानो, क्यों मालूम है? क्योंकि सारे जीव जंतु हटा दिए जाए तो हम एक महीना भी नहीं जी सकते। दुनिया में जो जीव जंतु है सारे मार दिए जाए तो वी कैनॉट लिव फॉर वन मंथ, सोचा कभी? तो कितना बड़ा आभार मानना चाहिए। यहां बैठिए, थैंक यू। तो अच्छे से करना है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बिलीफ सिस्टम हैज अ पावर। बहन जी ने भी बहुत अच्छे से बताया, शिवानी बहन ने, कि सारा पावर है वह बिलीफ सिस्टम का, नो, द बिलीफ हैज बिग पावर। द रियल पावर इज थॉट्स बेस्ड ऑन रियलिटी। क्योंकि आप सचमुच, जैसे अभी आप सोचो कि वातावरण ठंडा है तो इजीली फील करोगे। अभी कोई बोले वातावरण बहुत गर्म है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, वातावरण बहुत गर्म है, तो आपको नहीं होगा, क्योंकि इट्स नॉट रियल। तो ऐसे बिकॉज आप सचमुच आत्मा है, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स, थोड़ा सा आप ट्राई करना, सचमुच हो जाएगा। बी प्रिपेयर्ड टू रिलीज योर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। हाँ, तैयार है सब कि नहीं? हाँ सर, यहां आएंगे? हाँ आइए आइए, फटाफट आइए। हाँ हाँ, यस, इन बहन भाई जी, भाई जी, भाई जी, आपने 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 आई नीड बिल्ड, प्लीज कम कम। हाँ, सभी भी एक बार खड़े हो जाएंगे। हाँ, एक्सरसाइज चाहिए ना थोड़ी, और अच्छा, यू विल लर्न समथिंग। हाँ, ऐसे फेस टू फेस खड़े हो जाओ। देखो, दो प्रकार के इमोशंस है। एक तो अगर आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, किस पे गुस्सा किया है ना, और उसका दुख लेकर के आप घूम रहे हैं, और दूसरा है किसी ने आपके साथ अन्याय किया, किसी ने आपका विश्वासघात किया, तो वो नेगेटिव इमोशंस को भी आप लेके घूम रहे। दिस टू थिंग्स आर डैमेजिंग योर लाइफ है ना। अभी एक इसके दूर कर रहा है, ऐसे फेस टू फेस खड़े हो जाओ, फेस टू फेस, ऐसे 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 फेस टू फेस, मेल मेल, फीमेल फीमेल, इफ योर हस्बैंड एंड वाइफ यू कैन बी पार्टनर, घर में भी पार्टनर, यहां भी पार्टनर, ओके। अच्छा, हाँ, अभी देखो देखो, करो करो, सचमुच करो। अभी अपने पैसा समझो कि ये जो पार्टनर है, सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट है, जो पार्टनर है वो व्यक्ति है जिसको आपने दुख दिया है, उस पर गुस्सा किया, कोई भी रीति से बुरा व्यवहार किया, तो बगैर उससे मुक्ति पानी है तो सबसे अच्छा उपाय है उससे माफी मांग लो। मैं करके दिखाता हूं, सब मुझे फॉलो करेंगे? प्रॉमिस? मैं तो छोड़ूंगा नहीं, जल्दी से करना। ओके, हाँ, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। करो करो, जल्दी जल्दी करो, जब तक नहीं मिलेंगे छोड़ूंगा नहीं, बोला है जादू की जप्पी, नहीं मालूम? ओके, या या, यस, प्लीज सिट, थैंक यू, प्लीज सिट। देखो, माइंड बॉडी मेडिसिन सीखना है, माइंड बॉडी मेडिसिन सीखना है। हाँ, ये इस यहां से चले नहीं जाना, ये कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंड बॉडी मेडिसिन सीखना है तो तीन बार पिक्चर देखो, मुन्ना भाई एमबीबीएस। हाँ सचमुच, फिल्मी स्टाइल में बनाया गया है, बट एवरीथिंग इज ट्रू। कैरम खेल के बीमारी ठीक हो सकती है, जो कुछ भी है ना, पेशेंट को चार नंबर पांच नंबर नंबर नहीं दो है ना, उसको नाम से पुकारो। जी जी, ओके। तो अभी देखो, हाँ, अभी रिलीज इमोशन। हाँ, जहां कमर को सीधी रख के बैठो, आंखें बंद करो। ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपके साथ अन्याय किया है,
जिसने आपका विश्वासघात किया है, ऐसे व्यक्ति को याद करो कि जो आपके जीवन में दुख का कारण बना है, अब सच्चे दिल से उसे माफ कर दो। इसलिए माफ करो, माफ करके आप उस पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। उन्हें इसलिए माफ करो क्योंकि उसकी जो बुरी असर आप पर हो रही है उससे आप छूट पाओ, अन्यथा जीवन भर आप वह बुरी इफेक्ट से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। सच्चे दिल से बिना कोई शर्त के उसे माफ कर दो। अभी भी माफ नहीं कर सकते हैं तो भगवान पे छोड़ दो, भगवान उसका रिटर्न देगा। आपने उस बात को छोड़ दिया है, कॉस्मिक एनर्जी पर छोड़ दो, बस यू बिकम रियली 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 फ्री। जब तक आप फ्री नहीं होंगे पूरी तरह से लाइफ को रिजुविनेट नहीं कर सकते। इमोशनली प्लीज फॉरगिव देम, यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न, यू जस्ट वॉन्ट टू फॉरगिव देम। You will keep on doing at least for 8 weeks. Keep doing this every day 2-3 times for 8 weeks if you want to rejuvenate your life. Yeah, open your eyes. किया सबने? किसने किसने माफ किया? चलो मैं ताली बजाता हूं, इतने सारे हैं माफ कर दिए। और एक बार में नहीं होगा, पक्का मानना। इफ यू हैव एनी स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव प्लीज मीट मी, आई विल हेल्प यू। क्योंकि इससे आपको फिजिकल डिजीज भी होंगे, साइकोलॉजिकल डिजीज भी होंगे। इवन हेंसेल, कि जिसको फाउंडिंग फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च माना गया है, वो कहते कैंसर इज अ स्टेट ऑफ नॉट फॉरगिविंग समबडी। बोले और भी कारण है, स्मोकिंग इज डेफिनेटली अ पावरफुल रीजन, लेकिन अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते तो याद रखिए कैंसर भी हो सकता है। एंड इट्स फॉर योर ओन गुड, प्लीज फॉरगिव अदर्स, राइट? ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा मेडिटेशन कराना चाहता हूं, सिंपल सा है ना। मैंने काफी ये सोचा, आई वॉज वेरी यंग वेन आई केम इन कॉन्टेक्ट विद ब्रह्मा कुमारीज, और सोचा कि भी बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को मेडिटेशन। आज भी कहते कि 7 दिन का कोर्स हो गया अभी मेडिटेशन नहीं आता है। तो ना मैंने कुछ टेक्निक्स तैयार की है, ऐसी 5-6 टेक्निक्स है। ये सारा विजुअलाइजेशन है ना, साइकोथेरेपी को कहीं हमने जोड़ने की कोशिश की है, बट इट्स वेरी सिंपल। अभी भी मेरे साथ आप फॉलो करना, नो इन अनदर 7-8 मिनट्स आपका अच्छा ध्यान लग जाएगा, है ना। विजुअलाइजेशन टेक्निक है, जैसे उसमें से एक मेथड को कहा बलून टेक्निक। जैसे कि हॉट एयर बलून में आप ऊपर जा रहे हैं, है ना, इस सारी बात को मेडिटेशन के साथ जोड़ा है। हाँ, कमर को सीधी रख करके बैठिएगा, दोनों पैरों को जमीन पे रखिए थोड़ी दूरी पर, आपके पास डायरी पेन कुछ है तो साइड में छोड़ दीजिए, हाथ को ऐसे मोड़ लीजिए, है ना, कंधे को ढीला कर दीजिए। राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से भी किया जाता है, परंतु क्योंकि मोस्टली आप पहली बार करते होंगे तो आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। सारे शरीर को एकदम हल्का कर दीजिए, लेट गो ऑल योर बॉडीली पार्ट्स, स्पेशली योर माउथ, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर छोड़िए। लेट गो योर शोल्डर्स, कंधे को ढीला कर दीजिए, पेट को भी एकदम हल्का कर दीजिए, सारा शरीर एकदम हल्का है। नाउ क्रिएट अ पिक्चर, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में एक गर्म हवा के गुब्बारे में आप बैठे हैं,
ये गर्म हवा का गुब्बारा आपको सुरक्षित ऊपर ले जाएगा। धीरे धीरे यह गुब्बारा ऊपर जा रहा है। देखिए आसपास का दृश्य कैसा दिखाई देता है। ये पीले रंग का गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर जा रहा है। 10 फीट, 15 फीट, देखो दृश्य कैसा दिखाई देता है। आसपास में हरे रंग के झाड़ दिखाई देते हैं। बच्चे नीचे खेल रहे हैं और ये बलून ऊपर जाता है तो नीचे के लोग दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं। ऐसे ही हम मन की स्थिति को ऊपर उठा लेते हैं तो परिस्थितियां छोटी दिखाई देती हैं। और इसके लिए सोचिए कि जीवन एक लंबी चलने वाली सीरियल है। यह सीरियल मेरे जीवन के आसपास ही तैयार की गई है। बस इसमें मेरा मेन रोल है। जैसे वो एक्टर सीरियल में पार्ट बजाते हैं, बस वैसे ही मैं भी सिर्फ अपना पार्ट बजा रहा हूं। सुपरस्टार भी भिखारी का पार्ट बजाता है तब वो बिल्कुल निश्चिंत होता है, उसे पता है कि मैं तो सुपरस्टार हूं। ऐसे ही जो भी मैं पार्ट बजा रहा हूं, मैं तो वास्तव में आत्मा हूं। मैं आत्मा सुपरस्टार हूं। बस ये शरीर को धारण करके जो मुझे परमात्मा ने पार्ट दिया है वह पार्ट मैं बजा रहा हूं। और ये बलून ऊपर जा रहा है। देखिए नीचे बादल दिखाई दे रहे हैं, नीचे से प्लेन जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये बलून ऊपर जाता है। पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण के उस पार चला गया है। आप एकदम वेटलेस हो गए हैं। ऐसे ही हम देह और देह की दुनिया के आकर्षण के उस पार चले गए हैं। एकदम हल्कापन लगता है, एकदम न्यारापन। आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। आसपास में सितारे ही सितारे हैं। इन सितारों के मध्य से गुजरते हुए आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप देखते हैं दूर दूर एक बहुत ही जगमगता सितारा है। यह सितारा एक दिव्य सितारा है। उसमें अद्भुत ऊर्जा है। परमात्मा भी एक सितारे की भांति है। रूप में बिंदु परंतु सर्व गुणों के सिंधु है परमपिता परमात्मा। उनसे मुझे सर्व शक्तियां मिल रही है। परमात्मा शांति के सागर हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अखूट शांति का अनुभव हो रहा है। यह अद्भुत सितारा मेरे नजदीक आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है। बस वाइब्रेशंस मेरे में समा रहे हैं।
जैसे जैसे शांति के प्रकंपन मेरे में समा जाते हैं और निश्चिंतता आ रही है, एकदम न्यारापन आ रहा है, ऐसे गहरी शांति का अनुभव कर आप धीरे धीरे अभी नीचे आते हैं, जल्दी जल्दी नीचे आते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और नीचे आते हैं, लेकिन आप अपनी ही मस्ती में मस्त है, एकदम ग्राउंड लेवल पर आ गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। धीरे से आंखें खोलिए, आसपास में देखिए, जो लोग भी बैठे हैं बस सभी आत्माएं हैं, दे आर पीसफुल सोल। एक हाथ को ऊपर नीचे करिए, ये सोचिए मैं आत्मा ही हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूं, मैं वह दिव्य शांत स्वरूप ऊर्जा हूं जो हाथ को हिला रही है। पैरों को थोड़ा हिलाइए, सोचिए बस मैं आत्मा ही पैरों को भी हिला रही हूं, मैं वह दिव्य शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। तो यह एक छोटा सा अनुभव था, कैसा लगा? अच्छा, हाँ, जिसको भी अच्छा अनुभव हुआ हो तो और बहुत अच्छा। अच्छा आप जान, हाँ, कि भाई ये क्या था मालूम है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर पूरा देखना है ना, तो इसलिए एक भी सेशन में, हाँ देखो अभी कितना पूरा हॉल भरा है ना, सब सेशन में पूरा हॉल भरा रहेगा, देखो बोलते नहीं है, कहते कि कमिटमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, देखो आप पूरा हॉल भरा होगा, हमारा खून बढ़ जाएगा, स्पेशली बनारसी भाई का, तो सचमुच आप, और इट्स रियली वी हैव पुट अवर एफर्ट्स टू मेक एवरी सेशन इंटरेस्टिंग। इफ यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विथ मी ऑल्सो फील फ्री, है ना, और गूगल भगवान तो है ना, गूगल भगवान में सब कुछ है, यू जस्ट टाइप माई नेम डॉक्टर गिरीश पटेल, आपको सब मिल जाएगा, है ना, और सच मिल भी सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, और मेरी कुछ बुक्स भी है जैसे बताया, इफ यू वॉन्ट मे बी कल या परसों आप यहाँ ही सामने जाएंगे, एक ओम म्यूजियम है, वहां वो बुक्स भी चाहे तो आपको मिल जाएगी, ये सीडीज तो आपको हमारे सीडी काउंटर से भी मिलेगी। हाँ, इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूँ, फिर जिनको अच्छा लगा ना स्पेशली मेडिटेशन में या सेशन में, इफ यू कुड काइंडली वेट आफ्टर 7:30 जब आपका सेशन पूरा होगा, जस्ट आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विथ यू फॉर फ्यू मिनट्स, इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूँ। समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा बलवान जिसमें पर्वत भी ढल जाया करते हैं, अक्सर लोग आया और जाया करते परंतु आप जैसे कुछ डॉक्टर इतिहास बनाया करते हैं। ओम शांति।